बच्चे लोग, मैंने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। ये अपना सेकंड पार्ट वीडियो जाएगा। इस वीडियो में मैं पिगमेंट्स के बारे में बात करूंगा, जो आपके सामने ये जो ग्राफ बनाया गया है इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात किया। वहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, क्लैडोफोरा एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था एंजेलमैन के द्वारा। तो एंजेलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से उन्होंने बताया था कि कौन सा लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और कौन से लाइट में कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो लाइट, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है? आपको पता है रेड एंड ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो लाइट, वो जो रेड और ब्लू लाइट है, उस रीजन में पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ ग्राफ बनाए हैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। एक जगह पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को दिखाया जा रहा है, ये बेटा दोनों ग्राफ में वाई एक्सिस मैंने दिखाया है और ये दोनों ग्राफ में एक्स एक्सिस दिखाया हुआ है। एक्स एक्सिस में दोनों ग्राफ में हम वेवलेंथ रखे हैं और वाई एक्सिस में एक बार एब्जॉर्प्शन रखा गया है और दूसरी बार एक्शन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेज वेवलेंथ के जो ग्राफ है उसको हमने एक्शन स्पेक्ट्रम बोला हुआ है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पिगमेंट्स वर्सेज वेवलेंथ इसको हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला हुआ है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप पिगमेंट्स के बारे में समझ लो। मैं जानता हूं कि आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल के पांच टाइप मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, जिसमें कि मैंने बोला था कि हम इस चैप्टर में क्लोरोफिल ए और बी के बारे में बात करेंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही पिगमेंट, दोनों पिगमेंट जो है वो हायर प्लांट में होते हैं। आपने पढ़ा होगा एल्गी में क्लोरोफिल सी डी ये सब पाए जाते हैं, तो जो लोअर पिगमेंट है उनमें और भी क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ए भी पाया जाता है। लेकिन बेटा यहां पे हायर प्लांट में बाकी सारे पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे, ए और बी की बात करेंगे अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और बेटा क्लोरोफिल ए और बी के अलावा एक और पिगमेंट अपने को बात करना है, जिसे हम बोलते हैं कैरेटिनॉइड्स। ठीक है बेटा, तो तीन तरह के पिगमेंट है यहां पर बताया है हमने इस ग्राफ में, दो पिगमेंट को दिखाया है, एक और भी आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है बेटा येलो कलर से, कैरेटिनॉइड्स को। मैंने ए पिगमेंट को दिखाया है और क्लोरोफिल बी पिगमेंट को दिखाया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक और दिखाई है। लेकिन ए और बी मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ग्राफ एनसीईआरटी वाला देख लेंगे उठा करके, तो आपको पूरा आपको समझ में आएगा कि कौन सी बात ये मैं बात कर रहा हूं। वहां पर तीन ग्राफ दिखाया गया, मैं दो ही ग्राफ से सारी बात आपको समझा दूंगा। देखिए, क्लोरोफिल ए की बात किया जाए तो वैसे तो क्लोरोफिल पिगमेंट आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, ए वाला और बी वाला दोनों ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा। लेकिन क्लोरोफिल ए और बी इन पिगमेंट्स का अगर बात किया जाए तो ये क्रोमेटोग्राम पे ब्लू ग्रीन दिखाई देंगे, ब्लू ग्रीन कलर का ये दिखाई देगा। और ये वाला कैसा दिखाई देगा बेटा? येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। क्लोरोफिल बी पिगमेंट कैसा दिखाई देता है? येलो ग्रीन का। अच्छा, जो कैरोटिनॉइड्स होता है ये भी टू टाइप्स के होते हैं। कैरोटिनॉइड कितने टाइप का होगा बेटा? टू टाइप्स का। एक को हम बोलते हैं जैंथोफिल और दूसरा होता है कैरोटीन। कैरोटीन जो है ये कहां से नाम आया है? कैरेट से नाम आया हो, कैरेट में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और आप जानते हो मोस्ट अबंडेंट जो कैरोटीन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कैरेट में पाया जाता है, गाय के दूध में हल्का येलोइश कलर आता है तो वो कैरोटीन की वजह से ही आता है। तो आप एक बात और याद रखिएगा, पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो टमाटर में जो लाल कलर होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। अब बेटा हम बात करते हैं जैंथोफिल के बारे में, तो जैंथोफिल जो है वो येलो कलर का पिगमेंट है। इन पिगमेंट्स का कलर भी याद करना जरूरी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये जो कैरोटीन है बेटा ये येलो ऑरेंज कलर का होता है, येलो टू ऑरेंज कलर का होता है। तो ये सब पिगमेंट है जो क्रोमेटोग्राम पे कैसा दिखाई देगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर पे आप इसको देखोगे तो इसका कलर कैसा दिखाई देगा। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है अपना क्लोरोफिल, ये भी ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन दिखाई देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया है बेटा ये वाला जो ग्राफ, ये क्लोरोफिल ए का है, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये क्लोरोफिल बी का है ना। और ये जो नीचे मैंने बताया है ये फोटोसिंथेसिस को बता रहा है, ये जो ग्राफ है वो कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है उससे हम मेजर करते हैं इसको। अब आइए, इसके बारे में हमने बात कर लिया कि पिगमेंट्स अपने को क्या याद रखना है, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स, यही तीन पिगमेंट बात किया जाएगा इस चैप्टर में, इसके अलावा और कोई पिगमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा। क्लोरोफिल ए और बी का आपको स्ट्रक्चर भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जरा ध्यान ले लीजिए, क्लोरोफिल ए का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए किसी भी क्लोरोफिल में बेटा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, क्या क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इतने एलिमेंट होते हैं। ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेरिएबल हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम फिक्स रहता है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम, ये पांच एलिमेंट का नाम याद रखना है। अब आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो इधर मैं फार्मूला बना लेता हूं, क्लोरोफिल ए का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। और फिर क्लोरोफिल बी का भी बना लेंगे, क्लोरोफिल बी का हम ऊपर ही बना लेते हैं। आइए यहां पे क्लोरोफिल बी का बना लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम। देखिए मैंने बोला नाइट्रोजन हमेशा फोर रहता है, ठीक है, यहां भी नाइट्रोजन आपको फोर लगा देना है, लेकिन बेटा आपको मैग्नीशियम एक रहेगा, किसी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीशियम होता है, चार नाइट्रोजन होता है, तो ये दो चीज तो फिक्स है। और भी क्लोरोफिल है उनका भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन वेरिएबिलिटी कहां देखने को मिलेगा आपको, तो आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। देखिए बेटा यहां पे कार्बन 55 है, दोनों जगह पे 55 कार्बन रहेगा, यहां भी 55 है, यहां भी 55 है, यहां पे दोनों में सेम है, लेकिन आगे और भी क्लोरोफिल में वेरिएबल भी होता है। अच्छा हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरोफिल ए में 72 होता है और बी में कितना होता है बेटा 70, यानी कंपैरेटिवली बी के कंपेयर में, बी से के कंपेयर में ए में क्लोरोफिल थोड़ा सा, ए में हाइड्रोजन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन, और बी में, और अच्छा ए में क्या होता है बेटा 5 ऑक्सीजन होगा और यहां पे 6 ऑक्सीजन होता है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है ए और बी का, C55H70O6N4Mg, ये बी का हो गया। ए का हमने क्या बताया, C55H72O5N4Mg, ये फार्मूला हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो सेंटर में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम है, यहां पे चारों कॉर्नर पे बेटा है ना नाइट्रोजन आपको दिखा देना है, ठीक है, चारों कॉर्नर पे नाइट्रोजन दिखा देना है, और चारों कॉर्नर पे जो नाइट्रोजन है इनके साथ इस तरीके से पाइरोल रिंग लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है बेटा, ये पाइरोल रिंग लगा हुआ है, यहां पे भी पाइरोल रिंग है, इस तरीके से पाइरोल रिंग लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो पाइरोल रिंग की संख्या कितनी हो गई बेटा, चार पाइरोल रिंग हो गया, ठीक है, 1, 2, 3 and 4, 4 पाइरोल रिंग हो गया, चार पाइरोल रिंग हो गया। काउंटिंग कैसे करना है, यहां पे फर्स्ट हो गया, यहां पे सेकंड हो गया, यहां पे सेकंड पोजीशन हो गया, ये यहां पे थर्ड हो गया, फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, 7 and 8। आपको याद रखना है सेकंड कार्बन के थर्ड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है और यही अल्काइल वेरिएबल होता है, यही अल्काइल बेटा चेंज करेगा तो क्लोरोफिल से, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अगर अल्काइल ग्रुप के जगह पे, यहां पे मैं जो दिखा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, इस अल्काइल ग्रुप के जगह पे मैं नीचे लिखूं या ऊपर, यहां पे चलो लिख देता हूं, इस अल्काइल ग्रुप के जगह पे अगर CH3 लगाया गया है तो ये क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और अगर CHL लगाया गया है तो ये क्लोरोफिल बी हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, यहां पे दो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन ज्यादा है, तो देखो यहां 72 लिखा हूं, यहां पे 70 लिखा हूं, और यहां पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, CHO लग गया ना एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो बी में क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया ए के कंपेयर में, यहां 5 और यहां 6 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो याद रखना है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो हेड पार्ट होता है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हेड पार्ट है बेटा, और हेड पार्ट जो है वो चार पाइरोल रिंग से बना हुआ है, इसलिए टेट्रा पाइरोल बोलेंगे। अच्छा फोर्थ कार्बन में 7th पोजीशन पे 20 कार्बन का एक चेन होता है बेटा, 20 कार्बन का एक चेन होता है जिसे हम फाइटोल टेल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल, और ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हेड पार्ट, इसको हम पोरफायरिन हेड बोलेंगे या टेट्रा पाइरोल हेड बोलेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा इसे काइट जैसा अपीयर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इधर बना लेता हूं, इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं, ये वाला पार्ट इस तरीके से, एक मिनट रुक जाइए, यहां जो पार्ट बता रहा हूं ऊपर वाला कुछ इस टाइप का अपीयर हो जाना, ठीक है। तो ये वाला पूरा मैं पार्ट बना दिया, टेट्राहेड्रल बना दिया। अब यहां पे बेटा इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि पूछ लगा हुआ है, ये देखो यहां पे, इसको हम फाइटोल बोलते हैं, ये क्या हो गया, फाइटोल टेल बोलते हैं इसको, और ये क्या हो गया बेटा, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा पाइरोल, टेट्रा पाइरोल या हेड होता है, ये हेड है। अच्छा बेटा आपको याद रखना है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हेड हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल कैसा होता है, लिपोफिलिक, लाइपोफिलिक, टेल कैसा होता है बेटा, लाइपोफिलिक, ध्यान रखोगे इस बात को, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल जो होता है वो लाइपोफिलिक होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर एक चीज और ध्यान रखो, ये जो थर्ड रिंग है ना बेटा, इस थर्ड रिंग के साथ एक और भी रिंग कनेक्ट रहेगा इस, लेकिन ये पाइरोल रिंग नहीं होता, चार तो पाइरोल रिंग है लेकिन ये जो है वो साइक्लोपेंटानोन है, ये पेंटा बस उसी टाइप का रहेगा, इसको साइक्लोपेंटानोन, इसको हम फिफ्थ रिंग बोलेंगे, साइक्लो
पेंटानोन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का फाइव रिंग कौन सा होता है, तो बोलना है साइक्लोपेंटानोन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फाइटोल टेल होता है वो कौन से रिंग से अटैच होता है, तो फोर्थ रिंग आपको बताना है, फोर्थ रिंग के सेवंथ पोजीशन पर अटैच है। देखिए, और ये कैसा देखने में दिखाई दे रहा है बेटा आपको, टैडपोल जैसा या काइट जैसा। तो इसका शेप अगर पूछे तो इसको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है वो टैडपोल जैसा दिखाई देता है, टैडपोल जैसा दिखाई देता है, टैडपोल शेप। कैसा दिखाई देता है? टैडपोल शेप। ठीक है, अब बेटा इसका डायमेंशन देखोगे तो इसकी लेंथ अगर देख लो और ये विड्थ देख लो, तो ये भी 15 एंगस्ट्रॉन का है और ये भी 15 एंगस्ट्रॉन का है। तो 15 एंगस्ट्रॉन ये हो गया और 15, यानी 15 × 15 एंगस्ट्रॉन का, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन कभी कभी नीट वाले क्वेश्चंस जो है वो बाहर से भी पूछ देते हैं, तो थोड़ा इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूं यहां पे मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि यहां पे पिगमेंट में हम तीन तरह का पिगमेंट की बात करेंगे, क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए और बी दोनों ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एक ब्लू ग्रीन है और एक येलो ग्रीन है, क्रोमेटोग्राम पे ये दिखाई देगा। कैरोटीनॉइड ये टू टाइप के पिगमेंट होते हैं, जैंथोफिल और कैरोटीन। जैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट होता है और कैरोटीन येलो टू ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन कौन है? बीटा कैरोटीन। ओके, उसके बाद मैंने बताया बेटा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ए का फार्मूला और बी का फार्मूला याद रखना है। यहां पे बी का फार्मूला मैंने दिखाया है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5N4Mg। तो यहां पे 72, यहां पे 70 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पे 5, ऑक्सीजन यहां पे 6, बाकी सब सेम है। यहां पे 4Mg और यहां पे N4Mg और यहां पे भी N4Mg, यहां पे C55। ये बेटा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया, चार पाइरोल रिंग लगा दिया, ठीक है, और एक टेल लगा दिया। टेल को हम फाइटोल टेल बोलते हैं। टेल लिपोफिलिक होता है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है बेटा, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो ऑटोमेटिक समझ लेना लिपोफोबिक होगा, लेकिन नहीं समझ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने लिखा है वही एग्जाम में आएगा। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, बात ध्यान रखना है। टैडपोल शेप का होता है या काइट जैसा अपीयर होता है बेटा, इसको हेड को हम पोरफाइरिन हेड भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखो, जो जैंथोफिल है जो येलो कलर का होता है, इसको हम लोग सील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं, सील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं, यह भी एग्जाम में आता है। सील्ड पिगमेंट किसको बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स को, यानी बोले तो जैंथोफिल को। जैंथोफिल एक कैरोटीनॉइड का टाइप है ना, ये बात हो गई। तो चलिए, इतना बात तो आपने समझ लिया। अब मैं इस ग्राफ को समझाता हूं, ठीक है, आइए ग्राफ की तरफ समझिए। देखिए बेटा, यहां पे क्या दिखाया गया है, 400, 500, 600, 700। यहां पे भी मैंने दिखाया है 400, 500, 600, 700, यानी 400 to 700 नैनोमीटर में ये वेवलेंथ को दिखाया गया है। अब ये जो वेवलेंथ दिखाया गया है, इस वेवलेंथ पे आप देखिए कि क्लोरोफिल ए दिखाया गया है पहले, क्लोरोफिल ए, ये जो ब्लू कलर वाला लाइन दिखाया है, क्लोरोफिल ए का जो सबसे हाईएस्ट पीक मैंने लिखा है कितना, 430 नैनोमीटर पे। इसका मतलब 430 नैनोमीटर पे एक पीक ऊपर गया है, मतलब इसको ड्रॉप करोगे तो यहां पे 430 आएगा, 400 से 500 के बीच का है। ये जो रेंज है ये कौन सा रेंज है बेटा? ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का रेंज है। तो ब्लू वेवलेंथ में, ब्लू कलर कलर में कौन सा पिगमेंट अब्जॉर्ब हो रहा है? ए पिगमेंट। और उससे भी ऊपर पीक गया हुआ है, कौन सा वेवलेंथ पे? 463 वेवलेंथ पे, है ना। 463 वेवलेंथ के लाइट को कौन ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? क्लोरोफिल बी। देखो इसका पीक ऊपर गया है, मतलब जो जितना ज्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है उसका पीक ऊपर उतना जाएगा। तो 463 यानी 463 नैनोमीटर के लाइट को बी पिगमेंट ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ब्लू रीजन में, 400 से 500 के रीजन में। और 400 से 500 के रीजन में ही रेड वाला, जो ब्लू कलर का दिखाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए, ये 430 नैनोमीटर का लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 500 से 600 के नैनोमीटर लाइट के बीच में, 500 to 600, यहां पे पिक ऊपर नहीं गया, मतलब यहां पे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल कम होता है, यहां पे और भी अदर कलर के पिगमेंट होते हैं। फिर 600 से 700 के बीच में आ जाइए, यहां पे रेड वेवलेंथ का रेंज है। ये कौन सा है बेटा? ये रेड वेवलेंथ है, यहां पे रेड है, तो रेड कलर में भी देखिए पिक ऊपर गया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन वाला गया हुआ है, बी, बी कितना है बेटा? देखो ये जो ग्रीन दिखाया हूं इसका हम 443 लिखे हैं, यानी कि 643 नैनोमीटर पे पिक ऊपर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ए पिगमेंट को लिखा है 660 नैनोमीटर पे पिक ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो रेड रीजन में कौन से वेवलेंथ के लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब किया है और ब्लू रीजन में किस वेवलेंथ के लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब किया गया है, ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? एब्जॉर्प्शन ग्राफ है ना, एब्जॉर्प्शन ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कि ब्लू लाइट में? वैसे तो दोनों में ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम रेड लाइट में ज्यादा बोलेंगे। पर आपके मन में सवाल आएगा कि ग्राफ तो ऊपर जा रहा है इधर, लेकिन बेटा रेड लाइट की इफिशियंसी ज्यादा होता है। तो कभी भी याद रखना है, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लू लाइट, थोड़ा ज्यादा होता है। और देखिए यहां पे मैंने ये क्या बताया बेटा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन।
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहां पे देखो, पहले तो ग्राफ ऊपर गया हुआ है, फिर ये ग्राफ नीचे आया है, ठीक है, फिर ये ग्राफ ऊपर गया है। तो ये जो ग्राफ है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये किसको सुपर इंपोज कर रहा है, तो इसको ये सुपर इंपोज कर रहा है बेटा, ये वाला को, ये सेम चीज को, ये जो ब्लू कलर वाला मैंने दिखाया ना, क्लोरोफिल ए जहां पर लिखा, इसको सीधा उठा करके ला करके यहां पर रख दो। आप एनसीईआरटी में देखो ऐसा किया है, थर्ड वाला पिक्चर देखो, फर्स्ट में ये वाला पिक्चर है, सेकंड में ये वाला पिक्चर है, और एक और पिक्चर बनाया है। यहां पे एनसीईआरटी में कैरोटीनॉइड को भी दिखाया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कैरोटीनॉइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो उसको भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं दो पिगमेंट को ही यहां पर इन्वॉल्व किया हुआ हूं। तो इस यहां पर इसको उठा करके बेटा ला करके रख दो। तो सेकंड वाला पिक्चर तो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का है, पर थर्ड वाला पिक्चर में एक्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल ए दोनों को एक साथ दिखाया गया है। मतलब वहां से क्या पूछा जा सकता है कि वो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो ग्राफ में वो किसको सुपर इंपोज कर रहा है, ए को कि बी को कि कैरोटीनॉइड को। तो हम बोलेंगे कि ए को सुपर इंपोज कर रहा है, क्योंकि देखो ए में ग्राफ ऊपर गया, अब बी वाला जो ग्राफ है ना ये इससे पार कर जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको पार कर जाएगा, तो ये बी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। थोड़ा सा अच्छे से पिक्चर हमने नहीं बनाया, लेकिन आप एनसीईआरटी को देखें तो और ये क्लियर हो जाएगा ये ग्राफ को, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला और ये वाला समझ में आया होगा। सेकंड पिक्चर बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम है और फर्स्ट पिक्चर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस रेट को अगर हम डिटरमिन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, और अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताए हैं तो वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट कौन से वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बात आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता चलती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो स्पेक्ट्रम बनाया गया है, ये किस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाया गया है, जो एंजेलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लैडोफोरा पे। तो अगर आपसे पूछ दे कि एक्शन स्पेक्ट्रम को किसने बनाया, तो आप याद रखिएगा एंजेलमैन ने, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी ये पिगमेंट्स के बारे में और ये ग्राफ के बारे में। अब बेटा इसके बाद वाला जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उसमें हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और बहुत आसान है, यहां के बाद आपको लाइट रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा और डार्क रिएक्शन भी अच्छे से समझाऊंगा। तो बिल्कुल मत घबराना, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।